अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार में पत्रकारों का उत्पीड़न थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी मधुबनी कांड थमा नहीं कि अररिया कांड आरंभ हो गई। गोलीकांड में घायल हुए रानीगंज के पत्रकार बलराम विश्वास के परिजन से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। पत्रकार बलराम विश्वास गोलीकांड को लेकर जिला पत्रकार संघ की रानीगंज में आपात बैठक भी हो रही है। बता दें कि रानीगंज थाना क्षेत्र के एक रिपोर्टर बलराम विश्वास के साथ दीन दहाड़े गोली मार करने की घटना सामने आ गई, जिसके बाद चौथा स्तंभ हिलसा गया। तमाम मीडिया ने इस खबर को चलाया। आपको बता दें, पत्रकार बलराम विश्वास की मां ललिता देवी ने बताया कि बलराम ने कई बार रानीगंज थाना में लिखित शिकायत दी कि उनको जान को खतरा है, बावजूद इसके इस पर पुलिस प्रशासन ने कोई तत्परता नहीं दिखाई और उनकी उदासीनता ही थी कि दिन दहाड़े उन्हें गोली मारने जैसी घटना सामने आ गई। क्या कुछ उनकी मां कह रही है देखिए। पुलिस वाला एक बार भी देखने तक नहीं आया? नहीं। तो घर में क्या बोलता था बलराम? बोलता था गोली मार देगा। कौन? सुमंत कुमार। घर में लेकिन चर्चा होती थी कि इस तरह से घटना का अंजाम दिया जा रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। आप बलराम के कौन है? मम्मी, उसका मम्मी है। बता दे, पत्रकार के परिवार से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनके घर पहुंचे, परिजनों को हिम्मत दी, मां ललिता देवी से कहा कि उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पत्रकार बलराम को कुछ नहीं होने देंगे, उनका इलाज अच्छे से होगा और वे स्वस्थ भी हो जाएंगे। बता दें कि इस समय पत्रकार बलराम की तमाम सर्जरी के बाद वे आईसीयू में भर्ती हैं। कंप्लीट धजिया हो रही है तरीके की, डेमोक्रेसी की। आप शराब माफिया को पकड़ेंगे नहीं, अन्नों को पकड़ेंगे नहीं। और जो अररिया जिला है या जो बॉर्डर का जिला है, ये कम्प्लीट ड्रग्स, स्मैक्स, कोरेक्स, स्मगलिंग, ये दुधारू जिला कहा जाता है इसको। यहाँ करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, छोटे से बड़े चीजों का यहाँ स्मगलिंग होता है। हर गांव में एक गैंग बना हुआ है और वो माध्यम है। अब बिहार की पुलिस कितनी भ्रष्टम है, इसको कहने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ की व्यवस्था उनके हाथ में दे दी गई। ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन ट्रैफिक का काम भी बिहार पुलिस। एक्साइज है, एक्साइज का काम भी बिहार पुलिस। एमबीआई का काम भी बिहार पुलिस। डीटीओ का काम भी बिहार पुलिस। आरटीओ का काम भी बिहार पुलिस। उन्हें अपने सीआरपीसी, अपने थाना से मतलब नहीं, इन्वेस्टिगेशन से मतलब नहीं है। जब आप पूरी बिहार पुलिस को तय कर देंगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए हर थाने को, चाहे एन के एन प्रकार है, फिर और विभाग क्यों है? बंद कर दीजिए। जिस तरीके से काके क्रिमिनल मारता है, कंप्लेन थाना में जाने के बाद चुप, सीने में गोली मार देना, आज वो कोमा में है। पूरी तरीके से पत्रकार के परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, तन मन धन सभी चीजों से। बहुत बड़े पैमाने पर अपराध और माफियाओं को चैलेंज करना होगा। ये बड़ा जाल बन गया है, मकर जाल। इन्हें लगता है कि अब इन्हें चैलेंज करने वाला कोई है ही नहीं। लगातार पंचायती राज चुनाव भी एक लगातार घटना का, अभी प्रमुख के भाई को गोली मार दिया, हम वहीं से आ रहे हैं, अंजाम दिया जा रहा है। नमस्कार पत्रकार साथियों, मैं राकेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन। वर्तमान में बिहार में जो पत्रकारों पर अत्याचार और हमले जिस प्रकार से तेजी से बढ़े हैं, यह हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और हम लोग बिहार सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मांग करते हैं कि बिहार में लागू करने का अब सही वक्त आ गया है। मधुबनी के पत्रकार अविनाश झा को भी जिंदा जलाकर मार दिया गया, जैसा कि हम लोगों के सोर्सों से खबर आ रहे हैं कि पत्रकार अविनाश झा स्वास्थ्य माफिया के खिलाफ खबर चला रहे थे। फिर कल एक सूचना आई है कि सन्मार्ग के पत्रकार बलराम विश्वास को भी अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया है।
यह सरकार के लिए और हम लोगों के लिए भी गंभीर विषय है, सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए। कहते चले कि इस वक्त पत्रकारों की जान खतरे में है और इसको लेकर जहां सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है, ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन किस तरह चाक चौबंद व्यवस्था करती है। आखिर शिकायत के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जगती और पत्रकार को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराया जाता। कई सवाल हैं जो चुभ रहे होंगे, लेकिन इनका जवाब ढूंढना बेहद आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, अररिया। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।